ये है माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस प्रो एक्स, इस वक्त का सबसे इंटरेस्टिंग लैपटॉप कम टैबलेट कम टू इन वन नोटबुक, बल्कि टू इन वन ही नहीं, इट्स लाइक ऑल इन वन। माइक्रोसॉफ्ट ने लगता है कि यहाँ पर आपको सब कुछ ही दे दिया, और ये सब कुछ क्या है और क्या ये सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर कुछ कमी तो नहीं रहेगी, यही सब बता रहा हूँ मैं आपको आज सर्फेस प्रो एक्स के इस रिव्यू में। सबसे पहले बात सर्फेस प्रो एक्स के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। सो जैसा आप माइक्रोसॉफ्ट से एक्सपेक्ट करते हो हमेशा, इट्स प्रीमियम एंड टॉप क्लास। एल्यूमिनियम बॉडी है विद मेटेलिक एंड स्मूथ फिनिश। इवन दो डिजाइन जो है वो काफी हद तक ओल्ड सर्फेस डिवाइसेस के जैसा ही आपको यहाँ पर दिखेगा, बट यहाँ पर कुछ ट्वीक्स हैं जो इसको दिखने में भी एक अल्ट्रा प्रीमियम हाइब्रिड लैपटॉप बनाते हैं। यहाँ पर बेजल्स जो है वो और कम कर दिए गए हैं, जैसे जो है वो और ज्यादा थिन कर दी गई है, 7.3 mm टू बी एग्जैक्ट। कर्व्ड एजेस हैं और ये लाइट वेट भी है कंपेयर टू अदर लैपटॉप्स। 775 grams का वेट है और आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हो अपने साथ विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट। आपको यहाँ पर दो USB टाइप सी पोर्ट मिलते हैं एंड एक सरफेस कनेक्ट पोर्ट है फॉर मैग्नेटिक चार्जर, बट यू मिस आउट ऑन एन SD कार्ड स्लॉट एंड हेडफोन जैक, जो आई थिंक होना चाहिए था। कीबोर्ड और ट्रैक पैड की बात करें तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, बट कीज़ के जो नीचे का ये सरफेस आप देख रहे हो डस्ट अट्रैक्ट करता है। कीज़ का वैसे फीडबैक बड़ा अच्छा है, टाइप करते हुए काम करते हुए फिंगर टिप्स पर आपके प्रेशर नहीं पड़ता है। कीबोर्ड पर एक हिडन कंपार्टमेंट भी यहाँ पर दिया गया जहाँ पर आपको मिलेगा स्टाइलस माइक्रोसॉफ्ट स्लिम पेन, और ये चार्ज भी इसी डॉक में होता है। बैक पर देर इज अ किक स्टैंड और इसकी हेल्प से आप सर्फेस एक्स प्रो को डिफरेंट एंगल्स में प्लेस कर सकते हो एज पर योर कम्फर्ट। एप्पल मैजिक कीबोर्ड के साथ एक इशू आता है जनरली, आप उसको सर्टेन एंगल से ज़्यादा बेंड नहीं कर सकते हो, प्लेस नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यू कैन प्लेस इट बेंडेड द वे यू लाइक। ऑल्सो कीबोर्ड का जो मैग्नेटिक मैकेनिज्म है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, अगर आप प्रेशर से भी कुछ टाइप कर रहे हो कीबोर्ड पर तब भी इट विल स्टे इंटैक्ट। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 13 इंच की पिक्सल सेंस डिस्प्ले है विद 3:2 एस्पेक्ट रेशियो। ये टच स्क्रीन डिस्प्ले है एंड इट लुक्स गॉर्जियस। हाई रिजोल्यूशन स्क्रीन है ये विद 2880x1920 पिक्सल्स जो अराउंड 276 ppi है, और कलर्स की अगर बात की जाए तो स्क्रीन पर कलर्स भी बड़े अच्छे आते हैं, बड़े वाइब्रेंट और पंची कलर्स आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे एंड यू गेट एन इमर्सिव मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस ओवर हेयर। हाई ये स्टैंडर्ड 60Hz स्क्रीन ही है, यू मिस आउट ऑन एन 120Hz पैनल जो सरफेस प्रो 8 में दिया गया है। ऑल्सो इट्स क्वाइट ब्राइट, 450 nits की पीक ब्राइटनेस आपको यहाँ पर मिलती है। वट आई लाइक मोर अबाउट दिस डिस्प्ले कि इसका जो टच है वो बहुत फास्ट है और एक्यूरेट है, कोई भी लैग या ग्लिच मैंने यहाँ पर यूज करते हुए फेस नहीं किया है। ऑल्सो किसी भी तरह का स्क्रीन ब्लरिंग का जो इशू है वो भी यहाँ पर मैंने फेस नहीं किया है। बेजल्स की अगर बात करें तो बेजल्स भी माइक्रोसॉफ्ट ने सर्फेस प्रो एक्स में कम कर दिए, स्लिम कर दिए। साइड्स पर बेजल्स जो है वो थिन है और टॉप और नीचे की तरफ थोड़े से थिक है। डिस्प्ले के टॉप पर दिया गया है 5 megapixel का फ्रंट कैमरा जो 1080p वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है, एंड बैक पर आपको मिलता है 10 megapixel का कैमरा जिससे आप 4K वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हो। दिस इज आई एम रिकॉर्डिंग फ्रॉम द फ्रंट कैमरा एक्चुअली, नॉट द मेन कैमरा इज द रियर कैमरा, और यू कैन चेक द क्वालिटी ऑफ द वीडियो हेयर, और आवाज़ जो है वो भी आप देख सकते हो कि आवाज़ कैसी आ रही है। सो कैमरा क्वालिटी आई वुड से इज ग्रेट, इफ़ यू वर्किंग फ्रॉम होम अटेंडिंग मीटिंग्स डूइंग वीडियो कॉल्स इट वोंट डिसअपॉइंट यू एट ऑल। Now let's talk about the stylus. So Microsoft calls it Surface Slim Pen. It's thinner, slimmer and comfortable to hold thanks to its design. Slim Pen बड़ा touch sensitive है, इस पर आपको 4096 pressure levels मिलते हैं और lightest touch पर भी ये respond करता है screen पर जब आप draw करोगे। आप drawing के लिए, sketching के लिए इसको use कर सकते हो, also notes वगैरह लेने के लिए भी ये बड़ा useful रहेगा, आप इसको use कर सकते हो। अब अगर बात performance की करें Surface Pro X की तो इसमें आपको मिलता है Microsoft का SQ1 प्रोसेसर जो कस्टम बेस्ड क्वालकॉम चिप है विद हायर क्लॉक स्पीड। इट्स एन ARM बेस्ड चिप एंड इस पर अक्सर सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं आप जानते हैं, बट अगेन इट्स क्लोजर टू अ स्मार्टफोन चिप आई वुड से, इसलिए ऐप लोडिंग टाइम यहां पर कम है, लैपटॉप ऑन जल्दी होता है एंड बैटरी का बैकअप जो है वो भी आपको यहां पर काफी ज्यादा मिलता है, 10 से 11 घंटे का बैकअप आपको इस पर मिल जाता है, विच इज इन अ वे ग्रेट। ब्राउजिंग की अगर बात करें तो ब्राउजिंग करने में मुझे कोई इशू नहीं आई, आई फाउंड इट सीमलेस, मैंने जितना इसको यूज किया कोई इशू फेस नहीं किया। विंडोज 11 प्रो वर्जन यू आर गेटिंग हियर एंड एप्स यूज करते हुए भी देयर वाज नो लैग, कोई डिले यहां पर मैंने फेस नहीं किया जितना इसको यूज किया। ऑफिस वर्क और रेगुलर टास्क में भी द सर्फेस प्रो एक्स वाज सीमलेस, अगर मल्टीपल टैब्स भी आपने ओपन किए हुए हैं, बैकग्राउंड में मल्टीपल प्रोसेसर्स भी हैं, एप्स भी रन कर रहे हैं, तब भी द परफॉर्मेंस वाज मोर और लेस स्मूथ। 8GB रैम यू आर गेटिंग हियर प्लस 250GB ऑफ SSD, सो प्लेंटी ऑफ पावर हियर।
Now let's come to the conclusion. Should you buy it? So to me, this is a premium tablet with a premium price tag. ARM chip ki wajah se there are software compatibility issues, but still Surface Pro X offers you a glimpse of what future laptops and two-in-ones would look like, especially for professional use case. Agar aapko ek aisa hybrid laptop chahiye jiski battery life achhi ho, design aur build quality jo ho wo premium ho, saath mein easy to carry ho, to you can go for it.